हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज जो है हम सेल बायोलॉजी के हैंड रिटन नोट्स लेके आए हैं आपके साथ में। आपकी बहुत डिमांड आ रही थी इस चैप्टर के बारे में, तो इसी के हैंड रिटन नोट्स हम अपलोड करने वाले हैं। सेल बायोलॉजी जो यूनिट है आपका, बेसिकली इसमें हमको सेल डिवीज़न भी हमको देखना है आगे, तो उसके नोट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगा। और आप टेलीग्राम चैनल से हमारे से कनेक्ट हो सकते हैं, तो वहाँ पे आपको पीडीएफ फाइल्स जो भी है सारी आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ जो हम प्रोवाइड करने वाले हैं वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एक ओवरव्यू ले लेते हैं इस पीडीएफ का। 30 से 32 पेज की ये कोई पीडीएफ है करीब। आप इन्हें अच्छे से प्रिंट कर लेना। एनसीईआरटी के जो भी पॉइंट्स है प्लस एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो नीट में पूछे जाते हैं या फिर फाउंडेशन लेवल पे जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो या एमसीक्यू हो, सारे इससे कवर हो जाएंगे। आपको एनसीईआरटी आपको एक बार रीडिंग करनी है, प्लस डायग्राम्स जो है इसमें भी अवेलेबल है, आपको एनसीईआरटी से भी देखने हैं। तो चलिए एक इसका ओवरव्यू ले लेते हैं साथ में, ठीक है। सेल वाला में जो है इस वाले यूनिट में बेसिक सारा आपको बताया गया है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इसके टाइप्स क्या है, सेल ये तो आप जानते ही, सेल पढ़ते ही आ रहे हैं हम, क्या होता है, हिस्टोरिकल अप्रोच, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं एनसीईआरटी से। अगर हम देखा जाए तो इसके जो साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन है सेल बायोलॉजी के, या फिर इसमें ईयर बेस्ड क्वेश्चन जो है एक डेट पूछ ली जाती है डायरेक्ट, या स्टेटमेंट में ये पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रॉबर्ट हुक हो गए, एंटन वॉन लीवेनहॉक हो गए, रॉबर्ट ब्राउन, या फिर सेल थ्योरी किसने दी ये पूछ लिया जाता है। 1838, 1839 ये दोनों ईयर आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। सेल हाइपोथेसिस के बारे में पूछ लिया जाता है किसने दिया था, रडोल्फ विर्को के बारे में, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी, सेल डॉक्ट्राइन, सेल लीनियस थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी, सब इसी को बोला जाता है। तो आप इसे देख लेना अच्छे से। एनसीईआरटी में जो ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इसके नेक्स्ट पेज पे, जस्ट सेकंड पेज पे ये मॉडर्न सेल थ्योरी के बारे में दिया गया है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, इसके कुछ पॉइंट्स बताए गए, इसे आप अच्छे से देख लेना। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस तो दिए गए, फुल थ्योरी लिखी गई है, अच्छे से आप इसे पढ़ के जाना। डिफरेंस पॉइंट पे लिखा है ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए। डायग्राम भी बता दिए गए यहाँ पे। नेक्स्ट आगे हम देखें जनरल शेप एंड साइज ऑफ सेल, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम भी दे रखे हैं, तो और इसमें भी मैंने आपको कंप्लीट एक एक चीज़ लिखी गई है, इसे आप अच्छे से नोट से देख लेना। स्मॉलेस्ट सेल हो गई, साइज़ के बारे में पूछा जाता है, सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल के बारे में पूछा जाता है, प्रोकैरियोट्स के जनरल फीचर। अब प्रोकैरियोट्स का पहले हम देखेंगे, फिर यूकैरियोट्स का देखेंगे, और फिर हम देखेंगे सेल ऑर्गेनल, ठीक है ना। इस पैटर्न में ये नोट्स बनाए गए हैं, कंप्लीट आप इसे देख लेना। माइकोप्लाज्मा के बारे में कंप्लीट यहाँ पे देख लेना। ग्लाइकोकैलिक्स से पूछा जाता है, मिजोजोम्स या फिर कॉन्ड्रोइड बोला जाता है, इनसे क्वेश्चन बनता है। एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन होते हैं, इसे देख लेना। फंक्शन सबके देख के जाना, अभी नीट में पूछा गया था फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडीज, वहीं से क्वेश्चन बना था स्टेटमेंट वाला, तो अच्छे से ये आप देख के जाना। फूड स्टोरेज, ग्रेन्यूल्स हो गए, इंक्लूड एक्स्ट्रा एनसीईआरटी में जो नहीं है वो भी मैंने इस नोट्स में दिया है, पर वो पढ़ के ही जाना, वहाँ से क्वेश्चन बना गया है, पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, या वहाँ से प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए मैंने इन नोट्स में दिया है। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है जो आपको डिस्टर्ब होना है या फिर किसी और बुक से पढ़ना है, सिर्फ नोट्स कर लेना और एनसीईआरटी कर लेना। बैक्टीरियल स्ट्रेनिंग आपके एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, पर टेस्ट सीरीज़ जो होती है वहाँ पे ये पूछा जाता है, छोड़ के नहीं जाना है, अच्छे से पढ़ लेना। किससे वॉश किया जाता है, कौन सी डाई यूज़ की जाती है, अच्छे से देख लेना इसको। सेल वॉल हो गई, अब सेल वॉल के बारे में पूरा है, प्राइमरी सेल वॉल हो गई, फॉर्मेशन कैसे होता है, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है प्लाज्मोडेस्माटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक्सटेंशन हम इसे कह सकते हैं, पोर्स होता है उसको बेसिकली बोला गया है प्लाज्मोडेस्माटा, है ना। सेल मेम्ब्रेन के बारे में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। सेल मेम्ब्रेन में मीन्स आप ये देख लो जो मॉडल दे रखे हैं आपके, फ्यूड मोज़ेक मॉडल, वहाँ का डायग्राम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे आएगा। और ये जो है कंपोनेंट जो दे रखा है, कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन आरबीसी सेल मेम्ब्रेन, ये पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेना। प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड वाला जो भी है ये सारा आप देख लेना सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ये जो मॉडल्स है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये सारा आप अच्छे से देख लेना। अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन, ये दो मॉडल आपके नहीं दे रखे हैं एनसीईआरटी में, पर आपको देख के जाना है, कई बार पूछ लिया जाता है। रॉबर्टसन भी नहीं दे रखा है, नाम याद रखना, अच्छे से देख लेना। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देख के जाना। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हो गया, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में प्रपोज किया था इसको। ये डायग्राम जो है इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है और नोट्स में भी आपको मिल जाएगा, अच्छे से कर लेना इसको।
आगे हम अगर चलें ये मूवमेंट के बारे में, प्रोटीन क्या मूवमेंट शो करता है, कौन सा नहीं करता है, या लिपिड कौन से करते हैं नहीं करते, ये देख लेना। कोलेस्ट्रॉल के बारे में पॉइंट है, ठीक है ना। फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन देख के जाना, सेल ऑर्गेनल्स, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम देख लेना, ग्रुप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स क्या क्या इंक्लूड किए गए हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, ये देख के जाना अच्छे से। चार ऑर्गेनल इंक्लूड किए गए, क्यों इंक्लूड किए गए, सब कुछ डिटेल में इन नोट्स में है, एक बार पढ़ के देखना आप, अच्छा लगेगा नोट्स आपको एकदम। अब सेल ऑर्गेनल्स हो गया, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं एनसीईआरटी का फिगर 8.5 जो है आपको अच्छे से करके जाना है। फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, गोल्जी बॉडीज के बारे में हो गया, किसने डिस्कवरी की थी, एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट कवर हुआ है, इसके एक्स्ट्रा पॉइंट भी कवर हुए, एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट कवर हुआ। लाइजोसोम्स आ गए नेक्स्ट हमारे पास में, इसके बाद में वैक्यूल्स हम देखना चाहें, वैक्यूल्स हो गए ये। नेक्स्ट आगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखें, इसके साइज याद रखना, ये डायग्राम हैंड रिटन डायग्राम जो है अच्छे से समझाने के हिसाब से बनाया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ऑक्सीजोम्स के बारे में, प्लास्टिड्स के बारे में बताया गया, प्रोटोप्लास्टिड क्या होते हैं, इंटरकन्वर्टिबल होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट के बारे में डायग्राम है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना ये वाला डायग्राम। रूबिस्को एंजाइम सीधा पूछ लिया जाता है कहाँ पे प्रेजेंट है, और मोस्ट एबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ रूबिस्को एंजाइम है। राइबोसोम्स, पैलेड पार्टिकल्स भी बोला जाता है, किन्होंने डिस्कवरी की, कब की, एक बार अच्छे से देख के जाना। सेल ऑर्गेनल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सब यूनिट्स भी पूछी जाती है, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, और ये ऑर्गेनल राइबोसोम हो गए, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम हो गए, ऐसे पूछ लिया जाता है। माइक्रोबॉडीज हो गया, साइटोस्केलेटन, एनसीईआरटी की सीरीज में ही नोट्स बनाए गए हैं, एनसीईआरटी की सीक्वेंस नहीं तोड़ी गई है। सेंट्रोल्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, यहाँ एनसीईआरटी जहाँ जहाँ पे भी लिखा हुआ है वो तो देख के ही जाना आपको, वो मैंने मेंशन कर दिया क्या एनसीईआरटी में है क्या नहीं है। न्यूक्लियस के बारे में हो गया, ये न्यूक्लियस के बारे में स्ट्रक्चर यूनिट्स का डायग्राम बताया गया है पूरा। क्रोमेटिन नेटवर्क, न्यूक्लियोसोम मॉडल हो गया। क्रोमोसोम्स के बारे में हो गया, क्रोमोसोम्स में शेप का याद रखना, VLGI जो शेप दे रखा है आपका, इसमें नोट्स में दे रखा है अच्छे से, स्टार मार्क भी है, इनको पढ़ के जाना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इनसे टेस्ट सीरीज में भी पूछा जाता है, नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, सीधा पूछ लेता है सब। मेटासेंट्रिक का क्या शेप होता है, शेप जो है कैसे बन रहा है वो भी मैंने इसमें बता दिया है आपको। क्यू आर्म हो गया, पी आर्म हो गया, सेटेलाइट के बारे में पूछ लिया जाता है, शेप ऑफ क्रोमोसोम इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है ना। कैरियोटाइपिंग पूछा गया था एक बार, तो मैंने इसमें नोट्स में आपको कन्वर्ट ये इसमें दे दिया है। एक्स्ट्रा पॉइंट जो है देख लेना इनको, एक्स्ट्रा पॉइंट को भी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो है जो एक्स्ट्रा कभी कभार इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये देख लेना। तो बेसिकली ये थी हमारे सेल बायोलॉजी के हैंड रिटन नोट्स, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में जाओगे आप, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। प्लस आपको और क्या रिक्वायरमेंट है प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं हमें कि हमको ये चाहिए, इस चैप्टर के नोट्स हमको चाहिए, या प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, MCQ चाहिए, थ्योरी बेस्ड चाहिए, क्या चाहिए, डायग्राम्स चाहिए, एक ही PDF फाइल में हम डायग्राम्स भी देने की ट्राई कर रहे हैं, और कंप्लीट आपको सारा मटेरियल हम प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस कर देना, एंड वीडियो अच्छी लगे, नोट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसके बारे में कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।